कालू अपनी बेटी टुनटुनी को पहली बार मेला दिखाने लाया था। 10 साल की टुनटुनी के लिए वो एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। पूरे मेले में घूमते घूमते टुनटुनी एक जगह पर आकर बस रुक गई। उसके सामने कठपुतली वाला कठपुतलियों का खेल दिखा रहा था। पूरा खेल देखने के बाद टुनटुनी ने अपने पिता से कहा, पापा वाओ, देखो ना वो कितनी सुंदर कठपुतली है, मुझे दिलवा दो ना पापा, मुझे वो चाहिए। कालू अपनी बेटी टुनटुनी को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता था, पर उस कठपुतली वाले ने टुनटुनी को अपनी कठपुतली देने से साफ इनकार कर दिया। नहीं भाई साहब, मैं आपको ये कठपुतली नहीं दे सकता, और इसमें आपकी ही भलाई है अगर आप इसे ना ले तो। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो कठपुतली चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनकर जब कालू कबीर इस मामूली सी कठपुतली के लिए उसको खूब सारे पैसे देने की बात कही, तो उस कठपुतली वाले ने अपनी कठपुतली टुनटुनी के हाथ में थमा दी। कठपुतली थमाते हुए उसने टुनटुनी से कहा, इस कठपुतली के साथ खेलना कभी बंद मत करना बस। उसकी बात को अनसुना कर टुनटुनी उस कठपुतली को अपने हाथ में लेकर घूमने लगी। उसी रात को टुनटुनी अपनी नई कठपुतली के साथ सो रही थी। कालू रात में उसके कमरे में आया तो उसने देखा कि वो कठपुतली जमीन पर गिरी हुई थी। कालू ने उस कठपुतली को उठाकर साइड टेबल पर रख दिया। कालू जैसे ही कमरे से जाने लगा, उसे किसी चिड़िया के रोने चिल्लाने की आवाज आई। वो कमरे में वापस गया तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर जैसे ही कालू की नजर उस टेबल पर रखी कठपुतली पर गई तो उसके होश उड़ गए। उस कठपुतली की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। वो देखते ही कालू घबरा उठा। अरे अरे, ये क्या, इस कठपुतली की आंखों से खून क्यों निकल रहा है? ये कहकर उसने कठपुतली को उसी समय घर की खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस रात वो टुनटुनी के पास ही सो गया। अगले दिन टुनटुनी की आवाज़ से कालू की आँख खुली। उसने देखा कि टुनटुनी कमरे के फर्श पर बैठकर उसी कठपुतली के साथ खेल रही थी। कालू ने उससे वो कठपुतली छीन ली। टुनटुनी, आखिर तुम्हें ये कठपुतली कहाँ से मिली, बताओ मुझे। मैंने इसे कल रात को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। पापा, मैं रात को इसी कठपुतली के साथ सोई थी और सुबह भी वो कठपुतली मेरे बिस्तर पे ही थी। कालू कभी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो कठपुतली वहाँ कैसे पहुँची। कालू वो कठपुतली लेकर जंगल की नदी में फेंक आया, लेकिन जब वो घर वापस लौटा तो उसने देखा कि टुनटुनी अभी भी उस कठपुतली के साथ खेल रही थी। अरे ये सब क्या हो रहा है, ये क्या बाला है, ये कठपुतली पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? लगता है ये कोई मामूली कठपुतली नहीं बल्कि भूतिया कठपुतली है। अब टुनटुनी भी सारा दिन कठपुतली के साथ अकेले में बातें करती, रात दिन बस वो उसी के साथ रहती। एक रात कालू देखता है कि कठपुतली टुनटुनी चिड़िया से कहती है, चलो टुनटुनी, अब तुम्हारा मेरे साथ चलने का समय आ गया है। मैं तुम्हें अपनी तरह एक कठपुतली बना दूंगी, जो खेल की नहीं बल्कि खून की दीवानी होगी। चलो। ये सुनकर कालू को उससे कहता है, नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। मैं कोई मामूली कठपुतली नहीं बल्कि भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की कठपुतली हूँ, जो भी मुझे अपने साथ रखता है और मेरे साथ खेलना बंद कर देता है तो मैं उसे जान से मार देती हूँ और उसे अपनी तरह एक खूनी कठपुतली बना देती हूँ। इसलिए टुनटुनी अब मुझसे नहीं बच पाएगी, मैं मार दूंगी इसे और इसके शरीर को एक जिंदा कठपुतली बना दूंगी, जो पक्षियों की खून की प्यासी होगी। ये सुनकर कालू कौवा उस कठपुतली में आग लगा देता है और वो जलते हुए कहती है, तूने अच्छा नहीं किया मुझे जलाकर, इसका बदला तुझसे जरूर लूंगी, याद रखना कठपुतली से खेलना बंद मत करना। ये कहते हुए जलकर राख हो जाती है। अब टुनटुनी भी ठीक हो गई थी और अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रायपुर नाम के गांव में कालू नाम का एक कौवा रहता था। वो रोज रात को शहर से काम करके अपने घर लौटता था। गांव दूर होने की वजह से गांव के सभी पक्षी रिक्शे से शहर आते जाते थे। एक रात कालू अपने दोस्त टुन्नू से कहता है,
टुन्नू आज काम करते करते तो बहुत देर हो गई, गांव जाते जाते बहुत रात हो जाएगी, पता नहीं रिक्शा भी मिलेगा या नहीं। हाँ तुम तो इतनी दूर से शहर आते हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक बाइक खरीद लेनी चाहिए, इससे तुम्हें आने जाने में आसानी हो जाएगी, रात को कभी रिक्शा ना मिलने का टेंशन भी नहीं रहेगा। हाँ हाँ वो भी जल्दी ही ले लूंगा, चलो अब मैं चलता हूँ। कालू ये कहकर रिक्शा स्टैंड पर आ जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक भी रिक्शा दिखाई नहीं देता। जैसा सोचा था वही हुआ, सब रिक्शा वाले चले गए, अब क्या करूं? तभी उसे दूर से एक रिक्शा आता हुआ दिखाई देता है। वो रिक्शे वाले को हाथ दिखाकर रिक्शा रोक लेता है और रिक्शे में बैठ जाता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 20x30 कितने होते हैं। आप तो साक्षात भगवान बनकर आई हैं मेरे लिए। मैं अब सोच ही रहा था कि रिक्शा नहीं मिली तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है, पता नहीं कौन कब कहाँ पहुंच जाए। कालू को रिक्शे वाली चिड़िया की बात अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वही रिक्शा चलने लगता है और ठंडी हवा के झोंके से कालू की आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि रिक्शे वाली चिड़िया उसे सुनसान रास्ते पर ले आई है। अरे अरे बहन जी, ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे गांव का रास्ता यहाँ से नहीं आता, इस सुनसान सड़क पर रिक्शा क्यों लेकर आए हैं आप? तभी रिक्शे वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा अपनी गर्दन पीछे घुमा लेती है, वो अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर वो डर जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कोई नहीं आएगा यहाँ तुम्हें बचाने, किसी के कानों तक तुम्हारी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। तुम तो मेरे आज के खाने हो, ताज़ा ताज़ा खाना। फिर रिक्शे वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा कालू को मार डालती है और उसकी लाश एक खेत में फेंक देती है। अगले दिन कालू की लाश खेत में मिलने की वजह से पूरे गांव के पक्षी चिंता में पड़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर से ऐसे ही एक गांव वाले की लाश दूसरे खेत में मिलती है। एक दिन गांव में रहने वाला हरिया तोता सब गांव वालों से कहता है, हम कब तक ऐसे डरते रहेंगे? हमारे गांव के सब पक्षियों को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता है और रात को आने में देर हो जाती है, लेकिन हम ऐसे ही घर पर नहीं बैठ सकते ना। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, हमें कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बेटा, कितने पक्षियों की मौत हो चुकी है। जिन गांव वालों की मौत हुई है वो सब शहर से तो वापस लौट चुके थे, रिक्शा स्टैंड तक पहुंचने के बाद ही उनके साथ कुछ हो रहा है। हो ना हो ये किसी भूत या चिड़िया की आत्मा का ही काम है, हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। फिर हर एक तांत्रिक के साथ रात को रिक्शा स्टैंड पर जाता है, तांत्रिक रूप बदल कर वहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद वो भूतिया रिक्शे वाली चिड़िया वहाँ रिक्शा लेकर आती है। हरी और तांत्रिक रिक्शे में बैठ जाते हैं और सोने का नाटक करते हैं। भूतिया रिक्शे वाली चिड़िया सुनसान सड़क पर रिक्शा ले जाती है। अरे ये आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? हमारे गांव का रास्ता तो उस ओर से है। अरे यही सही जगह है, आज रात तो मेरी दावत है, एक साथ दो पक्षियों को खाऊंगी। तभी तांत्रिक अपनी झोली से मंत्र सिद्ध भस्म उस भूतिया चिड़िया की आत्मा पर डालता है, वो रिक्शा से बाहर आ जाती है। ये क्या डाल दिया तुमने मुझ पर, मेरा पूरा शरीर में जलन होने लगी है, निकाल दो इसे, छोड़ो मुझे, मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन तांत्रिक उसकी कोई बात नहीं सुनता और बाकी की भस्म उस पर डाल देता है। भस्म गिरते ही भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा का शरीर राख हो जाता है और फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने जाती है, लेकिन नदी पार करते समय अचानक उनकी नाव पलट जाती है। फिर वो सभी दोस्त किसी तरह से तैर कर नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। हमारी नाव तो नदी में डूब गई, अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? आज का तो दिन ही खराब है, हमारे खाने का सारा सामान भी नाव के साथ बह गया, अब हम क्या करें? इस तरह अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, हमें पैदल चलकर ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद वो सभी दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन काफी देर चलने के बाद उन सभी को जोर की भूख लगती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 100-50 कितने होते हैं। बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं चला जाता, अगर मैं थोड़ी देर और चली तो बेहोश होकर यहीं गिर पड़ूंगी। टुनटुनी की तरह बाकी दोस्तों का भी यही हाल था। तभी अचानक उनके सामने एक भूतिया चिड़िया की आत्मा आती है।
अरे क्या हुआ पक्षियों, तुम सब बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखते ही वो सभी पक्षी घबरा जाते हैं। देखो मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छी भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ, मैं तुम सबको कुछ नहीं करूँगी। हम इस जंगल में पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन नदी में हमारी नाव के साथ साथ हमारा सारा सामान भी पानी में डूब गया। अब हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। बस इतनी सी बात, तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको बढ़िया गोल गप्पे खिलाऊंगी। नहीं नहीं, हम तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकते, आखिरकार तुम एक भूतिया चिड़िया की आत्मा हो। अरे यकीन करो, सच में मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो तुम्हारे भले के बारे में सोच रही हूँ। देखो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं बहुत ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलो उस भूतिया चिड़िया की आत्मा के साथ चलकर गोलगप्पे खाते हैं। फिर वो सभी दोस्त भूतिया चिड़िया की आत्मा की बात मानकर उसके साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन्हें जंगल की एक बड़ी सी स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। वो स्विमिंग पूल ढेर सारे गोलगप्पों से भरा हुआ था। ये देखकर सब पक्षी बड़े खुश होते हैं और स्विमिंग पूल में उतरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन सभी को खून की उल्टियां होने लग जाती हैं। अरे ये क्या, अचानक ये गोलगप्पे खाते ही हमारी तबीयत खराब हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था इस भूतिया चिड़िया की आत्मा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा था, लेकिन ये बात तुम्हें काफी देर में समझ में आई। तुम सभी ने भूतिया गोल गप्पे खाए हैं, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी ही देर में तुम सबकी मौत आ जाएगी, फिर मैं मजे से तुम सबका खून पीऊंगी। उसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा टुनटुनी उसके दोस्तों को रस्सी से बांधकर अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा देती है और घोड़ा गाड़ी चलाते हुए वहाँ से अपनी गुफा की ओर जाने लगती है। फिर वो पक्षी मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर में खून की उल्टियां करते हुए सभी पक्षी बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। तभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक तांत्रिक उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखता है, जिसकी नज़र घोड़ा गाड़ी पे पड़ती है। उसके अंदर पक्षियों को बेहोश देखकर तांत्रिक सारी बात समझ जाता है। ये भूतिया चिड़िया की आत्मा मासूम पक्षियों को पकड़कर कहां ले जा रही है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर वहाँ एक बड़ा डंडा प्रकट कर देता है। फिर वो उस डंडे पर सवार होकर हवा में उड़ता हुआ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की घोड़ा गाड़ी के सामने पहुँच जाता है। अरे कौन है तू और मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है, चल हट जा वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा, मैं तुमसे नहीं डरता, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इन पक्षियों को छोड़ दे, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे धमकी दे रहा है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, मैं अभी तुझे मारकर खा जाऊंगी। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी तलवार से तांत्रिक पर हमला कर देती है, लेकिन तांत्रिक उसी वक्त मंत्र पढ़कर रस्सी से फंदा बनाकर भूतिया चिड़िया की आत्मा को बांध देता है और उसे पेड़ के ऊपर लटका देता है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे तांत्रिक मुझे नीचे उतारो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर देखते ही देखते भूतिया चिड़िया की आत्मा की मौत हो जाती है। उसके बाद तांत्रिक टुनटुनी उसके दोस्तों को होश में ले आता है। फिर तांत्रिक उन सभी को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा देता है। इस तरह से उन सभी पक्षियों की जान बच जाती है और वो सभी सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं।